सुप्रभात छात्रों, आज हम भीम और राक्षस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा, उससे संबंधित जैसे उसमें भीम और राक्षस का कुंती, ब्राह्मण ब्राह्मणी और ब्राह्मण ब्राह्मणी की बेटी, इन सब का संवाद हमने देखा। उसके आधार पर आज हम यहाँ पे एक गतिविधि करने जा रहे हैं और उस गतिविधि का नाम है संवाद। तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ हमारे छात्रों को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ पे आएंगे और वैसे ही जैसे जैसे वहां पे संवाद किया जाता है वैसे ही छात्र हमारे यहाँ पे संवाद कर रहे हैं। अब मैं पहले यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अफनान है, मैं शिक्षक का छात्र कर रहा हूँ। पात्र हाँ। मेरा नाम प्रशांत है। हाँ। मेरा नाम राकेश है। मेरा नाम सुरजन है। मेरा नाम अमित। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं छात्र का प्रयोग करता पात्र करता। मनोज इधर आओ। जी सर। कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? सर मैं बहुत बीमार था, मैं मुझे बहुत सारा बुखार आया था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। अच्छा, तुम बीमार थे तो कल बाजार में क्यों घूम रहे थे? सर मैं घूम नहीं रहा था, मैं दवाई लेने के लिए था। अच्छा ठीक है, जाओ कर बैठो। स्टार्ट। तो फिर आप लोगों ने देखा कि एक शिक्षक और छात्र के बीच में कैसा संवाद किया जाता है, ये आप लोगों ने हमारे जो छात्र किए उनको देखा। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारी नवीं कक्षा की दो छात्राएं, जो है दो सहेलियों का संवाद आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। आइए। आप लोगों ने देखा कि दो सहेलियां जो पिकनिक में जा रही थी उनका जो संवाद कैसा था उसको आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारी नवीं कक्षा के दो छात्र हैं, एक छात्र इसमें वृक्ष का और एक छात्र जो है इसमें पक्षी का पात्र निभा रहे हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइए दोनों। मेरा नाम धनुष है, मैं पक्षी का पात्र कर रहा हूँ। मेरा नाम चरण कुमार है, मैं वृक्ष पात्र कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इंतजार। किसका? जिसने मुझे कल पानी दिया था। तुम्हें प्यास लगी है? ओह बहुत जोर से। मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ? मुझे आगे देख आगे जाकर देख सकते हो वो कोई रहा है या नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सबके मदद करते हो, मुझे तुम्हारे मदद करने में खुशी होगी। धन्यवाद मित्र। आप लोगों ने देखा कैसे एक वृक्ष और एक पक्षी कैसे संवाद करते हैं उसको हमारे दोनों छात्रों ने यहाँ पे करके दिखाया। अब मैं फिर यहाँ पे माँ बेटी के रूप में हमारे नवीं कक्षा की छात्राओं को मैं यहाँ पे मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइए और अपने पात्रों को यहाँ पे बखूबी से निभाइएगा। मेरा नाम सुहाना अंजुम है, मैं माँ का पात्र कर रही। मेरा नाम हाँ, मैं श्वेता के घर जा रही हूँ ग्रुप स्टडी के लिए। ठीक है, शाम होने से पहले ही आ जाना, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। चल। मेरी प्यारी मम्मी, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। बेटी समाज में तो बेटियों की सुरक्षित नहीं है, आए दिन मुझे चिंता आए दिन सामने आने वाली घटनाओं से मेरा दिल घबराता है। डर तो मुझे भी लगता है माँ,
रास्ते में अब अक्सर असुरक्षित महसूस होता है। सरकार तो हमारी सुरक्षा के लिए भयंकर कदम उठा रही है, परंतु हमें हमारी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जो समाज में होने वाली असुरक्षता के बारे में माँ और बेटी के बीच का जो संवाद आप लोगों ने देखा। अब मैं फिर इस मंच पर दो जो हमारी नवीं कक्षा की छात्राएं हैं, जो कि चांद और तारे का यहाँ पे संवाद उन लोगों से हम सुनेंगे, तो मैं उन दोनों को यहाँ पे मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइए। तुमसे क्या छुपाना है, कभी तो कभी टूटते हैं तो कभी चमकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे तुम भी चले जाते हो, जैसे तो तुम भी चले जाते हो। नहीं जान, हम लोग नहीं है, हम कहीं नहीं जाते हैं। क्या जानते हैं हम? दिन के उजाले में छिपे होते हैं। तुम भी समझ रहे हो? हाँ, छात्रों आप लोगों ने देखा कि हमारी नवी कक्षा की छात्राओं ने किया चांद और तारे के बीच का जो संवाद उन लोगों ने कैसे किया उसको भी देखा। अब मैं यहाँ पे इस मंच पर अगला जो संवाद का एक छोटा सा नमूना आपके सामने लेकर हमारी फिर नवी कक्षा की छात्राएं आपके सामने फिर यहाँ पे उपस्थित होंगे। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपने किरदार पे यहाँ पे निभाएं। तो फिर हमारी नौवीं कक्षा की दो छात्राओं ने आप लोगों को यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया, इनके संवाद के रूप में उन्होंने यहाँ पे बताया। अब मैं फिर आमंत्रित करता हूँ हमारे नौवीं कक्षा के दो छात्र हैं, उनमें से एक डॉक्टर है और दूसरे का जो यहाँ पे पात्र है मरीज है। अब उन दोनों को मैं यहाँ पे मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइए दोनों। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं नौवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा पात्र रोहिता है। मेरा नाम सिद्धेश है, मैं नौवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा पात्र डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, मुझे कल रात से थोड़ा सा हल्का सा बुखार आ रहा है। ठंड तो नहीं लग रही है? थोड़ी ठंड भी महसूस हो रही है, परंतु सारे
छींके आ रही है। सवेरे एक साथ चार पांच छींके आई थी। पेट तो खराब नहीं हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, आज सवेरे मेरा पेट साफ नहीं हुआ। दवाइयों ले लो, दो दिन की दवाई है, दिन में तीन बार दो दो गोलियां चार घंटे के अंतराल से लेना। एक गोली रात के सोते समय समय दूध के साथ ले लो। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम श्रेया, मेरा पद मेरा नाम सारा। मेरा नाम यशस्वी। हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में संवाद किए थे। मेरा नाम चैतन्य है। मेरा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में संवाद किया। मेरा नाम अक्षय बानू है। मेरा पात्र बेटी का। मेरा नाम सुमारा अर्जुन है। मेरा पात्र माँ का। मेरा नाम शबनम है। हमारा पात्र पिकनिक पर संवाद। मेरा नाम अशिफा है। हमारा पात्र पिकनिक पर संवाद। मेरा नाम सिद्धेश है। हमारा पात्र डॉक्टर है। मेरा नाम मोहम्मद असीम है। मेरा पात्र रोगी का है। मेरा नाम धनुष है। मैं पक्षी का पात्र। मेरा नाम चरण कुमार है। मेरा पात्र रोगी। मेरा नाम मोहम्मद अफनान है। मेरा पात्र शिक्षक है। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरा पात्र छात्र। मेरा नाम प्रशांत है। मेरा पात्र छात्र का था। मेरा नाम नरेंद्र है। मेरा पात्र छात्र। मेरा नाम सज्जन है। मेरा पात्र छात्र का था। मेरा नाम अमित है। मेरा पात्र छात्र का था। हाँ, तो फिर हमारी नवीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने यहाँ पे जो आपके सामने मंच पर खड़े हुए हैं, इन लोगों ने विभिन्न यहाँ पे अपने अपने पात्रों को निभाते हुए कैसे संवाद किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी दी। ऐसे ही जैसे कि हमने भीम और राक्षस पाठ में राक्षस भीम कुंती ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी एक बेटी इनका जो संवाद वहां पे मंच पर एकांकिक के रूप में हमने देखा, वैसे ही यहाँ पे कैसे छोटे छोटे पात्रों को लेकर जैसे कि हम हमारी तृतीय भाषा हिंदी में कैसे उसको कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बच्चों से त्रुटियां हो रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि कुछ हम भी कर सकते हैं। छोटे छोटे पात्रों को उन्होंने लिया और उसको निभाने का प्रयास भी किया और मैं इन सब छात्रों को यहाँ पे धन्यवाद समर्पित करता हूँ क्योंकि सभी ने जितना कम समय में ही इन्होंने अपने अपने पात्र पर को जो यहाँ पे बखूबी से निभाया है। उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि अगली अवधि में हम इसे और अच्छा करने का प्रयास हमारे छात्र और छात्राएं करके आपके सामने फिर यहाँ पे उपस्थित होंगे, है ना। तो मैं इन सब को मेरी ओर से और हमारी कक्षा की ओर से सबको मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। जाइए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। तो अब फिर आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे यहाँ से जो अपने अपने किरदार को जो निभाने का कार्य यहाँ पे किया है, मैं दूसरे छात्रों से कहूंगा कि वे भी ऐसे विभिन्न कार्यों में अपने आप को जोड़ें और यहाँ पे मंच पर आकर अपना अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को बाहर डालने का प्रयास करें क्योंकि सभी को ऐसा नहीं कि मंच यहाँ पे सबको ऐसे ही मिलेगा। जब मिलता है तो उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। इसीलिए अगली कक्षा में हम फिर ऐसी ही एक गतिविधि के साथ यहाँ पे आपके सामने उपस्थित होंगे और कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे। मैं कहता हूँ कि जो छात्र यहाँ पे किए हैं उनको छोड़कर और दूसरे छात्र जो है वो इस पे हिस्सा लेने का प्रयास करेंगे। करेंगे ना? करेंगे नहीं? करेंगे। हाँ, तो मैं अगली अवधि में फिर एक गतिविधि के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे यहाँ पे अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।